दोस्तों, यदि आपके फ़ोन का नेटवर्क चलते चलते बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल फास्ट हो जाता है और कभी कभी इतना स्लो हो जाता है कि आप कोई भी चीज़ खोलते हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं लेकिन वो नहीं खुलता है और आपका जो दिमाग है बिल्कुल ख़राब होने लगता है, यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, यदि आप कोई जियो का सिम चलाते हैं या आइडिया चला रहे हैं या वोडा चला रहे हैं या एयरटेल चला रहे हैं, यानी कि आप कोई भी सिम को यूज कर रहे हैं और आपके साथ यदि ऐसा होता है कि नेटवर्क बिल्कुल से अचानक से स्लो हो जाता है, तो आज के बाद आपके फ़ोन का नेटवर्क कभी भी एकाएक स्लो नहीं होगा, क्योंकि आज आप यह सेटिंग यदि अपने फ़ोन में कर देते हैं तो आपका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चलते चलते स्लो हो जाना, बिल्कुल ही ना चलना, यह आज के बाद आपके फ़ोन में कभी भी स्लो नहीं होगा। क्योंकि आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, यदि इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यदि फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो नेटवर्क है बिल्कुल ही हमेशा आपके नेट को स्पीड में ही चलाएगा, स्लो होने ही नहीं देगा। तो दोस्तों, वो कौन सा तरीका है और किस तरीके से आपको अपने फ़ोन के अंदर में यूज करना है, उसके लिए इस वीडियो में सब कुछ मैं बताया हूँ। उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, यदि आपको भी सीखना है, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्पीड को, नेट के स्पीड को बढ़ाएँ, तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ट्रिक को आपको अपने फ़ोन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से करना है लाइक, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर का बटन है, यहाँ से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल टेक्निकल बोलो को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसी के बगल में घंटी का एक बटन है, इस घंटी के बटन पे आपको दबा देना है और यहाँ पर ऑल के ऊपर में दोस्तों क्लिक कर देना है, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, जैसे कि दोस्तों नाइस, ऑसम, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ताकि दोस्तों हमें पता चल जाए कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। और मैं आपके कॉमेंट को दोस्तों यहाँ से दोस्तों लाइक करता हूँ और यहाँ से दोस्तों हट देता हूँ। तो इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज करें। सबसे पहले आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। जी हाँ दोस्तों, एकदम छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रख लेना है। रखने के बाद में एप्लीकेशन को करना है ओपन, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। एप्लीकेशन को कहाँ से और कैसे इंस्टॉल करना है वीडियो में आगे बताऊँगा। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नोट एक्टिव, तो आपको यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये जो है आपके नेटवर्क को सर्च करने लगेगा, यानी कि आपके फ़ोन में नेटवर्क को सर्च करेगा और आपके नेटवर्क को स्पीड को ये बढ़ा देगा, यानी कि यह जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में कनेक्टिंग, यानी कि कनेक्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ कॉर्नर में VPN का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऊपर में यहाँ पर देखिएगा तो VPN लिखा हुआ है। यदि VPN अगर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर में, तो समझिए कि यह जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब क्या होगा कि यदि कभी भी गलती से आपके फ़ोन का नेटवर्क यदि कम होता है तो ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक ही आपके नेटवर्क को खींच कर आपके फ़ोन को देगा। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क यदि स्लो भी होगा तो ये पूरी कोशिश से अपने एप्लीकेशन द्वारा ये आपके नेट को खींचकर आपके मोबाइल के नेट तक पहुंचाएगा और आपका जो नेट है बिल्कुल स्लो, बिल्कुल जैसे पहले हो जाती थी उस तरीके का आपका नेट स्लो होगा नहीं। यदि आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, एक बार इस छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर एक से दो दिन रखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने जो बताया वो कितना सच था या कितना झूठ था। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को यूज करता हूं, जिसके कारण मैं आपको यह बता रहा हूं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार मेरे कहने पर इस एप्लीकेशन को आप जरूर यूज करें। यदि आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी तेज हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, इसी छोटी सी जानकारी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। यदि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा,
तो प्ले स्टोर से जाकर नेट ऑप्टिमाइजर लिखकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमें नेट की स्पीड को बढ़ाना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय।